हे गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है हम मतलब आज है मेले का आखिरी दिन, यानी कल से मेला उठ जाएगा। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया था कि आज हम मेले में जाएंगे और थोड़ी सी मतलब लास्ट डे में सब कुछ हमें अच्छे से मिल जाएगा। मतलब हम राइड्स वगैरह लेंगे, झूले की राइड्स लेंगे ना, शायद अभी कन्फर्म नहीं है, शायद यही बंदा बोल रहा है शायद। तो जो बंदा हमारा टैटू छुपवाया तुमने हाथ पे, क्या है ये कब छुप? नहीं नहीं, पहले का तो नहीं है, पहले का नहीं है, पहले दिखाई नहीं था भाई, पिछली गर्मी हो गया, पिछले साल का। अच्छा, उससे बोल रहे थे ये नया टैटू छपाया तुमने भी, ये पिछले साल का, ये हमने नगर से ही तो छपवाया। कौन कह रहा कौन कह रहा ये और एक ये छपवाया था मैंने। ना ना, ये तो पहले का छपवाया, मगर वो नहीं, वो तो अभी छपवाया तुमने। हाँ, तो चलते हैं, अभी जाएंगे हम निशान भाई को लेने के लिए। उससे पहले इसी शायद कटिंग वगैरह कराएंगे, कटिंग वगैरह कराने के लिए बैठेगा, तो मैं जाऊंगा निशान भाई को लेने के लिए। तो चलते हैं निशान भाई को लेने और उसके बाद हम चलते हैं मेले में, क्योंकि उन्होंने जुगाड़ करा रखा है हमारा मेले में फ्री राइड्स के वगैरह बारे में बात कर रखी है कि हम फ्री राइड्स लेंगे मेले। तो फाइनली जिस गली के अंदर मुझे जाना था वो गली तो मुझे मिल चुकी है, बहुत ढूंढने के बाद मिली है मुझे ये गली। मतलब मैं तो आगे निकल गया था, इस गली से आगे निकल गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा था कि निशान भाई की गली यहाँ से जाती है, कि ट्रेन आगे निकल गया था। तो निशान भाई के घर अंदर ही जाकर आता था। सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा अगर ये वीडियो आपको इतनी हिलती हुई दिखी, तो मैं सिंगल हैंडली मैं बाइक चला रहा हूँ और वीडियो ब्लॉग भी बना रहा हूँ साथ में, तो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए एक हाथ से ड्राइव करना और सामने से हट गया यार, सिंगल हैंडली में चला रहा हूँ। तो फाइनली निशान भाई के घर पहुँचने वाला मैं, दो मिनट में शायद आई थिंक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि निशान भाई घर लेफ्ट साइड में ही है। लेफ्ट साइड में अंदर जाके, अंदर से एक और रास्ता जाएगा वहाँ से लेफ्ट साइड में, तो मैंने उनको कॉल नहीं करी, मैं अभी जाके उनको कॉल करता हूँ, जाएगा साइड में। तो हे गाइस, मैंने निशान भाई को अभी बताया नहीं है कि मैं उनके घर के पास पहुँच चुका हूँ। अभी मैं उनके घर के मतलब यहाँ से जाऊँगा, ये हॉर्न मारूंगा, ये हॉर्न सुन लो पहले, आप देख लो कितना पावरफुल हॉर्न है। उनके घर के सामने जाके मैं हॉर्न मारूंगा, उनको सरप्राइज देंगे। अभी मैंने उनको बताया नहीं है कि मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, तो चलिए चलते उनको दिखाते हैं। सामने पहुंच चुका हूँ मैं, अभी हॉर्न मार, अभी उनके घर के सामने पहुंच चुका हूँ मैं, तो अभी मैं हॉर्न मारूंगा, बुलाते हैं उनको बाहर। उनको मैंने बोला है कि भाई मैं निकलानी उनके घर के लिए, यही सरप्राइज है। चलिए चलते, ये तो दिख नहीं रहा है, इतनी बड़ी दीवार बना रखी है उन्होंने यहाँ पे। ये घर का गेट। आंटी नमस्ते, आंटी लास्ट में लाइव मिलने में जा रहे थे आज, कोई नहीं कोई दवाई नहीं ली क्या इन्होंने अभी? हाँ जी हाँ जी, निमोनिया हो गया था इनको, इन्होंने बताया नहीं हमको, नहीं कोई नहीं कोई, ठीक है जी ठीक है। आज तो यही मेले में जा रहे हैं ना, बस पोंटा मेले में जा रहे हैं, शाम तक 5 बजे तक शायद हम वापस आ जाएंगे। ठीक है जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस खा पी के आए अभी मेले में, इन्होंने सोच रखा था मेले में खाएंगे अब। बस
तो यार आए रहे तैयार होने बस वो नहीं वो तो अभी तैयार होने गया, मतलब कटिंग वटिंग करा रहा है ना अपनी, उसको टाइम लगेगा, मतलब इनको लेके जाते हैं वहीं पे, उसको बिठा लेंगे साथ में। तो आंटी जी के सामने भी हमारा नाम बदनाम है कि हम तीन बंदे हैं। तो निशान भाई जस्ट अभी तैयार होके आ ही रहे हैं, थोड़ा वेट करते हैं यार, धूप सी लग रही है। तो आंटी भी पता है कि हम तीन बंदे हैं, आंटी भी बोल दिया क्यों नहीं आया दूसरा, एक मैं, एक चेतन और एक निशान भाई, हम तीनों का नाम बहुत बदनाम है। आंटी के सामने भी आंटी भी पता है कि वो भी है, मेरे घर वालों को पता है कि हम तीन बंदे हैं जो हमेशा फरार रहते हैं, जाने वाले हम तीन मेन बंदे ही हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया था बनाते हुए, बस चेतन अगर तू ये ब्लॉग देख रहा है तो भाई तू टेंशन ना ले, आराम से मैं आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी रास्ते में, एकदम परफेक्टली अच्छे से ड्राइविंग किया मैंने, इतनी यानी कि मैंने फुल स्पीड खींच दी, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा समझा कर यार, अभी निशान भाई को उठाते और चलते जा रहे चेतन के पास, अभी बैठा है वो अपनी कटिंग कुटिंग कराने के लिए। रेडी होके आ गई है, ये उसकी बेल्ली, वाओ अभी तैयार हो गए थे, दोबारा हो गया क्या? तो वो तो कह रहा था कि अभी वो थोड़ा कटिंग कराएंगे फिर नहाएंगे, तो थोड़ा हम थोड़ा पार्क वगैरह में घूमने के लिए बोला था उसने, तो चलो चलते हैं हम थोड़ा पार्क में बैठते हैं, थोड़ा इधर उधर घूमते हैं। फाइनली हम कुछ नहीं कर रहे, दिन भर हम घूम ही रहे, आज पूरा दिन हमें शाम होगी घूमते घूमते, जगह जगह पे हम घूम रहे हैं, बस खा रहे हैं पी रहे हैं और घूम रहे हैं और इसका तेल फूक रहे हैं। तो फाइनली मैं अभी हूँ अमरकोट के एक कुछ ऐसे एरिया में हूँ मैं अभी, ये शायद आई थिंक इमरान का घर है, इमरान अभी तक आए नहीं, मैंने उसको कॉल किया, उसकी बहन ने फ़ोन उठाया, वो बोल रही कि अभी बुलाती हूँ मैं ज़रा उसको, देखते हैं कब तक आता है। और इस एरिया में मुझे आए हुए शायद आई थिंक बहुत साल ही हो गए और मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे तो ये याद नहीं कि लास्ट टाइम कब आया था, साल ही हो चुके मुझे, साल से मतलब दो साल तो हो ही गए शायद, शायद मैं 2019 में आता था इधर, हाँ दो साल तो मुझे बीत चुके हैं यहाँ पे आए, और मैं उसका वेट कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, और इनको भी मैंने परेशान कर रखा है, इनको भी उठा के ले आया हूँ यहीं पे, मैं यहीं बैठा हूँ। और शायद सामने विवेश का घर भी है, विवेश अगर तू ये ब्लॉग देख रही है तो मिलने क्यों नहीं आया यार, तो इतने दूर से आया मैं मिलने के लिए तुमसे और तुम लोग बाहर ही नहीं आए, अभी तक इमरान भी नहीं आया, वो पागल भी नहीं आया अभी तक, तो सारे लोग मुझे घूर रहे हैं यहाँ पे जैसे कि इन्होंने कुछ देख लिया हो, भूत वगैरह देख लिया हो, बस वेट कर रहे हैं कि जिंदगी में तुमने पहली बार सही से बाल कटाए, सिंपल में है नहीं निशान भाई, पहली बार से इस लुक में देखा मैंने, बन गया फिर से वही क्या टिप्पणी चढ़ाएंगे चेंज करी थी कटिंग है। और तो स्मार्ट सा लग रहा है अभी, अभी ठीक लग रहा है पहले से, सही में और क्या, पहले छपरी लगता था, अब थोड़ा इंसान लगने लगा है। तो फाइनली पूरे दिन घूमने के बाद पूरे पॉन्टे की एक गली देख ली मैंने इसकी वजह से,
कि मैंने कहा था गलियां देख के आओ। एक एक गली में हमने कई कई राउंड लगाए। कहाँ जा रहे हैं सर? बैंक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, ब्लैंक चेक, क्रेडिट कार्ड, कहाँ जाएंगे अभी हम? ओ ये मेरे पास कटेगी इसके। चलो देखने भी है। ये नहीं बोलेगी ज्यादा कुछ नहीं। पास ही जगह रहता तो लाड़ी की सी बस की बात कहाँ। उसके बाद भी नहीं है। उसका भी अरेंजमेंट पता किससे कराया? उसमें से दो पास उसको ले गए थे कि अपने बेटे को जुला ले, क्योंकि उसने मेरे को टाइम पे मदद करी थी ना। तो मैंने तेरे टाइम पे मदद नहीं करी? जहाँ से आने में मुझे कम से कम घंटा भर लगता ना, उस रास्ते में हम कितनी देर में आए निशांत भाई? 10 मिनट में पता। इसे मदद में इसे टाइम पे आना कहते हैं? टाइम पे आना भाई, मेरा नाम खराब हो चुका है, नाम बदनाम हो चुका है भाई, कहीं पे टाइम पे नहीं पहुंचता तेरी वजह से। आज इंसान बन गया? सिंपल कपड़े, सिंपल कटिंग, सिंपल दाढ़ी। सिंपल नहीं अभी भी भाई, ये दाढ़ी कौन सी सिंपल हो कर, सारे दाढ़ी तो एक ही जैसी हो कर। तो पुलिस वाले कहाँ कहाँ खड़े हो बता बस? पुलिस वाले खड़े निशांत भाई है? वाह साइलेंसर फाड़ रखा इन्हें तो अपना। ये भी चला कि बिना हेलमेट के चलना फिर भाई। आज ही जाना है हमें, हमें कल नहीं जाना है। ब्लूटूथ किसने दिए इसे? वो निशांत भाई के मारने पड़े। क्यों दिए निशांत भाई आपने इसको? ये वही उस दिन वाला सीन कर रहा है, ये हमें स्टे करवा दिया था। हाँ मारने पड़े। क्या चल रहा भाई, जल्दी चलेगा? ओ यार साली पापा किस परिया जा रही हैं अभी? इससे पापा की परी से याद आया, अभी हम जहाँ जा रहे थे ना, हमारे सामने एक पापा की परी जा रही थी, सामने से बंदे स्कूटी पे आ रहे, दो बंदे थे। सुनो तो उन बंदों ने ना अपनी स्कूटी मतलब रोड के बिल्कुल साइड में कर दी, इतनी साइड में कर दी ना भाई, साइड में जाने की जगह नहीं बची उस लड़की के चक्कर में। और वो लड़की पापा की परी इतनी अच्छी, उनने भी उनको देख के अपनी स्कूटी बिल्कुल साइड में कर दी, रोड की दूसरी साइड कर दी। और मैं डर रहा है कि क्या हो जाएगा, कभी कुछ हो ही जाएगा। दूसरे में थी हो वो वाले कहां से लेके आए थे? बड़ी जल्दी बता दिया, साफ ही कर लेकर इसको, कितना गंद खा रहा है देखिए जरा, इस धूल इसमें लगी वाइजर में, कुछ नहीं दिखता इसके वाइजर पे। तो फाइनली भाई ट्रिपलिंग पे आ गए हम आ गए ट्रिपलिंग पे है नहीं, वही अपना मार्केट पॉइंट था मार्केट।
करेगा तो इसके सामने ही खड़ी करेगा। बंदा अभी भी बाल सेट करने में लगा है। पर आगे ये बताता हूँ पुलिस वाला आपका जानकार, देखते हैं यार जो झूले झुलवा कुछ जुगाड़ जुगुड़ करवाओ। बुलाओ से कहाँ है, कौन है? मैं अभी तो नहीं ढूंढ रहे, ड्यूटी पे आए होंगे आज तो। ओ भाई उनका उतनी बार चलता ड्यूटी पे रहे था। अरे पुलिस वाले यार ड्यूटी पे तो आएंगे ना, फोन कर लो ना, बुला लो उनको कि करवा दो अपना काम, हमारा तो भला हो। इसने इतनी इंटर रखी है इसके ऊपर, क्या दिखाना चाह रहा है? पावर दिखाना चाहते भाई, सिर्फ पावर, पावर दिखाना चाहते भाई उसकी, कितने पावर है उसके अंदर। हमारे अंदर भी बहुत पावर है पर साली में मिल तो नहीं, दिखती नहीं दिखती नहीं वो पावर। कौन बनने बैठे? वाह, हाँ यार इस बार तो बैठेंगे, इस बार तो बैठेंगे। हाँ हल्का फुल्का लगता है लेकिन इसका डर कम हो गया, अब कम हो गया, हैंडल धीरे धीरे चलता है अपने, काफी धीरे धीरे चलता है निशान भाई। ये है ना भाई, हेलो, शर्म तो आई नहीं होगी मेरे को किस बात की? सीनियर सीनियर होते हुए जूनियर से पैसे मांग रहा और एकदम से मांग लिए, शर्म नहीं आई इसको मांगने में। घूमने गई बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। क्या होगा बुलाइए रस को, पकड़े जा रहे हैं, चेक करें। नहीं 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 वो ये छोटे वाले हैं, छोटे वाले हैं, ये लग रहा है मुझे बीच वाला, बीच वाला। जल्दी भाग गए, गायब भी हो गए। फाइनली गाइस हमारा पहला झूला होने वाला है हंडोला। गुरुजी भाई पास है, हाँ दो बस अभी भी नहीं ट्रिपलिंग तो चली रही है, हम जा सकते हैं मेरी बात मान लीजिए, देख के मान लीजिएगा क्या पता। ओहो वाह भाई, क्या पता तुझे देख के मान लीजिए भाई। तीन बंदे बैठने, तीन बंदे भाई, बहुत भाई दो बैठ रहे हैं, तीन नहीं बैठेंगे भाई, तीन है यार भाई, चल नहीं पाएगा बैलेंस का हिसाब है ना। आज भी कौन सा रहा वाह, तो फाइनली मैं चढ़ चुका हूँ ऊपर, ऊपर हाइट भी जाए जा रहा हूँ, जाए जा रहा हूँ, जाए जा रहा हूँ, जा ऊपर से ट्रिपलिंग के लिए मान रहा नहीं, मैं अकेला आया हुआ है झूले में, अकेला बैठा हुआ छोटी छोटी बच्ची। नाम क्या है आपका? क्या सिमरन, सिमरन सिमरन देख रही हम लोग, सिमरन को मेंशन किया जाए, दोबारा बोलना अपना नाम सिमरन। वाह आई थिंक शायद वहाँ पे कुछ तो चल रही है आज ही दिन, और ये पूरा मेला है। इस झूले में मुझे बिल्कुल मजा देना, क्योंकि इस पर मैं पहले भी बैठा हुआ था, उस टाइम भी मज़ा नहीं आया था मुझे इतना, इस टाइम भी लग रहा कि मज़ा आएगा, लेकिन इतनी हाइट पे भी डर नहीं लग रहा है मुझे, इतनी हाइट पे मुझे डर नहीं लग रहा है। कितनी बार? चार बार। ओ माय गॉड मुझे डर लग रहा है, इस बच्चे का डर नहीं लग रहा है, शर्म आ रही है मुझे अभी। क्या
क्या कहूँ, एक छोटी बच्ची को डर नहीं लग रहा मुझे, इतना डर लगता है। अगला बंदर ना जब ना मैं डुबकी मार दे कितनी मिर्ची लगे उसको, और जो जब जो उसमें डर लगा वो थोड़ा बता दे दियो उसको, थोड़ी देनी है ना मुझे इस बंदे को देनी है। आ जाओ इधर बैठ जाओ, यहाँ आके बैठ जाओ ना भाई, वहां नहीं मिलेगी यहाँ ही मिलेगी। भंडारा यहाँ चल रहा है, भंडारा यहाँ चल रहा है, वहां नहीं चल रहा भाई, भंडारा यहाँ चल रहा है, वहां नहीं चल रहा है, इधर आ जाओ। चेतन वेलपुर भी अच्छी है। चबा जाना चाहिए था, थोड़ा कटवा के डालनी चाहिए थी। फाइनली हम उसी जगह पे आए जहाँ पे हमने पहले वाले ब्लॉग में जहाँ पे हमने पिज्जा खाया था, इसके बाद हम जब फोटो शूट के लिए गए थे वही जगह, उस जगह पे फिर से हम पिज्जा खाने के लिए आए हैं। वो भी रात को, उस दिन भी रात को ही आए थे, इस टाइम हम रात को ही आए हैं। किससे? उसी जगह पे आए हैं और चलो देखते हैं। फाइनली गाइस वहां से खाने के बाद हम यहाँ पे आए हैं, उठा के दो यहाँ पे भी खाने के लिए, देखते हैं यहाँ पे ये बंदा क्या ऑर्डर देता है भाई, क्या ऑर्डर दे रहा है, देखते रहेगा ऑर्डर भी देगा। हाँ जेब में सिर्फ 50 रुपए यहाँ बोल रहे हैं। ये कही रहने कुछ बात है। तो क्या ये बंदा ऑर्डर देने के लिए, इन्हें ऑर्डर क्या दिया अभी ठीक से पता भी नहीं हमें। बाकी यहाँ के दही वाले गोलगप्पे अच्छे होते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हाँ जी क्या क्या नाम है आपका?
खाओ खाओ एंजॉय, पैसे वो दे रहे ना एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ही क्या है जब, हाँ भाई इसको देखता रहेगा। शांत भाई जी ले लो भाई जी, हाथ लगाओ हाथ लगाओ हाथ, नहीं खाने रहना तो बेटे, दो दो पीस आ रहे हैं, खा ले जल्दी जी। इधर का मौसम खराब है और ये बंदा जो सामने बैठा है बाइक पे, बिजली तो कड़की आ रहा अभी, आपको शायद दिखी होगी। तो हे गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ निशान भाई को घर छोड़ने के लिए। हमने मेले वगैरह में तो हमने थोड़ा इन्जॉयमेंट जितना करना था हमने किया, क्योंकि मैं मेरे बीच में ब्लॉग नहीं बनाया था, मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी, मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई हमने और मेले में क्या क्या किया। उसके बाद मैं नीचे गया था इसको चेतन को लेके, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा पावर बैंक वगैरह की मिली, तो मैंने आपके लिए ब्लॉग बनाया, वहाँ से शुरू किया है। तो अभी हम निशान भाई को छोड़ने आए हैं, तो अभी मैं जाऊँगा घर, चेतन मुझे घर छोड़ेगा, उसके बाद मैं जाऊँगा घर और उसके बाद ब्लॉग एडिट करेंगे, उसके बाद मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि मेरे ब्लॉग्स बहुत लेट लेट आएंगे, क्योंकि भाई मैं ना रेगुलर ब्लॉग नहीं बना सकता, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ घूमने जाता नहीं हूँ, मुझे अभी ना वो भी देखना पड़ेगा, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। वैसे हम घूमने जाता रहूँगा संडे संडे, हर संडे घूमने जाता रहूँगा, तो हर संडे के बाद मंडे या ट्यूजडे तक आपको नए ब्लॉग मेरे दिख जाएंगे। और कल मेरा पेपर है, फिर भी आज मैं घूम रहा हूँ, कल मेरा अकाउंट्स का पेपर है और आज मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, पता नहीं मैं कैसे कर लेता हूँ यार। मैं तो अभी जा रहा था निशान भाई इधर, यही है अभी नहीं आया हूँ निशान भाई से लिख दे लेने के लिए ज़रा उसको, क्योंकि बिना गाने सुने उसको तो रात को नींद नहीं आती, बिना गाने सुने उसको नींद नहीं आएगी, तो लिड्डे तो लेनी पड़ेगी। आगे आप ही हो ना निशान भाई? नहीं हूँ। अच्छा, उसका तो आता पता नहीं है। ठीक है, मिलते हैं। एक बात है, ऊपर पहाड़ पे बिजली बड़ी मस्त कड़क रही है, यहीं से दिख रही है, क्या पता आपको कैमरे में दिखे ना दिखे, कैमरे में तो नहीं दिखेगी। बाकी चलता हूँ मैं घर और व्लॉग्स आते रहेंगे, मैं बनाता रहूँगा, और बाकी अपना प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, शेयर कर दो, ताकि हम और नए नए वीडियोज बनाते रहें और आपको दिखाते रहें। What's wrong?